दोस्तों के आपको भी इंस्टाग्राम में न्यू मोबाइल नंबर ऐड करने पर ओटीपी नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी में मोबाइल नंबर लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आप ओटीपी ले सकते हैं जिससे कि आप इंस्टाग्राम में मोबाइल नंबर को ऐड कर पाए। तो चलिए आइए प्रोसेस देख लेते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे ऊपर की साइड 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में नहीं जाना है, वरना वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आएगा। तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ सके इसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी इस सेटिंग में चले जाना है। तो अभी आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में सिक्योरिटी चेकअप की सेटिंग मिल जाएगी, आपको इस सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो अभी आपको यहाँ से मोबाइल नंबर को ऐड करना है तो आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो नंबर ऐड करने के लिए आप यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर पे क्लिक करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, अगर इसी नंबर को आपको ऐड करना है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर ऐड करना है तो सबसे पहले आप इस नंबर को कट करेंगे। अभी आप जो भी नंबर लिंक करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके इस नंबर पर यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। देख सकते हैं मेरे दूसरे मोबाइल में यहाँ पे ओटीपी आ चुके हैं। तो चलिए अब इस ओटीपी को मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे चेक भी करा देता हूँ कि हमारी इंस्टाग्राम आईडी में मोबाइल नंबर चेंज हुआ या फिर नहीं। तो देख सकते हैं जो नंबर अभी हमने ऐड किया था वो नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो इस स्टेप से अगर आप इंस्टाग्राम में नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास ओटीपी 100% आ जाएगा। लेकिन हाँ, उस नंबर पे रिचार्ज होना चाहिए।